हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल इजी टिप्स टू फिट एंड हेल्दी चैनल। फ्रेंड्स, लीवर जो होता है उसका जो है फैटी हो जाना यानी कि उसमें सूजन आ जाना हमारे शरीर की बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, इसका रूट कॉज है। ये बात प्राचीन काल से ही आयुर्वेद हमें समझाता आ रहा है, क्योंकि लीवर ही है फ्रेंड्स जो वो ग्लैंड है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि वो उनको क्रिएट ही नहीं कर पाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। PCOS, थायराइड और ओबेसिटी की रूट कॉज है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी, जी हाँ फ्रेंड्स, इन सब चीजों को भी हमारा लीवर ही कंट्रोल करता है। तो अगर आपका लीवर सही है तो आपके अंदर ये सारी बीमारियां आ ही नहीं सकती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है वो ऐसे घरेलू उपाय जिनसे हम अपने लीवर को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, अपने फैटी लीवर को नॉर्मल लीवर में यानी उनकी जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम कर सकते हैं। तो जानने के लिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने मेरा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है फ्रेंड्स, अगर आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान हमसे बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि क्या है वो बातें जिनकी वजह से जो है वो लीवर जो है कारण जो है वो फैटी हो जाता है, लीवर जो है वो हमारा डिसफंक्शन करने लग जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स है ओबेसिटी यानी मोटापा। देन हमारे बॉडी में जो कुछ इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, जैसे लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड सम एलोपैथिक मेडिसिन फ्रेंड्स, जो अंग्रेजी दवाई हैं, या अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करना, आप किसी भी रूप से टॉक्सिन्स का सेवन करते हो, चाहे आप फल और सब्जी को अच्छे से धो करके ना लेते हो, चाहे आप पॉल्यूशन एनवायरमेंट में रहते हो, ये सब भी छोटे छोटे कारण हैं जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को अंदर बढ़ावा देते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज है और मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो हमारा जब गड़बड़ा जाता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो बहुत से ऐसे कारण है जिससे लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी से जानते हैं वो चार ऐसे घरेलू उपाय जिससे आप 40 दिन के अंदर ही अपने लीवर को बिल्कुल स्ट्रांग और बिल्कुल फिट एंड फाइन कर सकते हैं। तो पहला है उपाय फ्रेंड्स, जो अभी सर्दियां आ रही हैं तो कैरेट्स बहुत मात्रा में पाई जाएंगी। तो एक गिलास अगर आप ब्रेकफास्ट में कैरेट का जूस पीते हैं, उसे ठंडा नहीं पीना है, सादा पीना है फ्रेंड्स आपको, तो ये जो है वो एल्कलाइनिटी को बढ़ाता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से खट्टी डिकार, नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह जो आती है उस चीज़ को ये ख़त्म करता है। तो गाजर के जूस को, कैरेट जूस को अपने ब्रेकफास्ट में एक गिलास रोज जरूर शामिल कीजिए और 40 दिन बाद अपनी रिपोर्ट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकंड है फ्रेंड, लिकोराइस रूट पाउडर यानी मुलट्ठी का पाउडर, आप इसे घर में पीस सकते हैं। आप ऑर्गेनिक, जहाँ से आपको ट्रस्ट हो, अच्छा मिल रहा हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। 1.5 glass ऑफ वाटर में इसे एक चम्मच लेकर के आप इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए फ्रेंड्स, और उसके अलावा जब वो गुनगुना सा रह जाए सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए, आपकी बहुत सारे लीवर की प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देगा। PCOS और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है अपनी ओबेसिटी को भी इससे ख़त्म करने का। तीसरा है फ्रेंड्स, मिंट लीव्स और लेमन जूस का आता है, जिसमें आपको क्या करना होगा, आप 1.5 glass पानी में 5 से 7 मिंट लीव्स को यानी पुदीने की पत्तियों को अच्छे से उबाल लीजिए, थोड़ा ठंडा वो रह जाए, थोड़ा गुनगुना हो जाए, तो ल्यूक वार्म वाटर में जस्ट 1/2 lemon आप मिक्स कर लीजिए, उसके अंदर आप एक पिंच पिंक सॉल्ट भी मिला सकते हैं। पिंक सॉल्ट में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिक रेट को एक्टिव करके डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। आप इसको सुबह ना पीना चाहें तो इवनिंग में भी आप इसे पी सकते हैं। देन मैं अगर आपको बताने वाली हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग ड्रिंक के बाद, बिफोर मील्स व्हाट यू हैव टू टेक टू डिटॉक्सिफाई योर लीवर। फ्रेंड्स, बिफोर मील्स आपको दिन में दोपहर के वक्त या शाम के वक्त भी आप इसे ले सकते हैं। रात को डिनर से पहले 1 चम्मच सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर विद 1/2 teaspoon ऑर्गेनिक हनी, उसको आप ल्यूक वाटर में अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड्स फॉर लीवर डिसऑर्डर्स एज वेल एज फॉर PCOS, ओबेसिटी एंड थायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसे अब तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में बिंदास आप मुझे लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।